विश्वास सारंग जी भी हमारे साथ में हैं। आपने कहा था 29 की 29 से जीतेंगे और जीत गए। निश्चित रूप से ये प्रसन्नता की बात है। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। मध्य प्रदेश ने जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया है तो मोदी मंत्रिमंडल में ज़्यादा डिमांड बढ़ी। ये तो हमारा विषय नहीं है, इस विषय में मैं कुछ कह भी नहीं सकता। मुख्य मुद्दा यह है कि इस देश को नया आयाम देने के लिए, नई गति से विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। ये हम भारतवासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात। पूरी 29 हम लोकसभा जीते हैं। राजगढ़ में भी राजगढ़ की जनता ने पूरा मन बनाया कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी के लिए वोट किया। सनातन और हिंदू धर्म की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है। मोदी जी का भी तीसरा टर्म है प्रधानमंत्री के तौर पर, वो शपथ लेने जा रहे हैं, तो क्या अब इस पर जोर दिया? नहीं, देखिए पहले से ही जोर है। सनातन और हिंदू संस्कृति केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। सनातन का मूल उद्देश्य ही दुनिया की शांति है, दुनिया का विश्व बंधुत्व है, तो इसलिए दुनिया को दिशा दिखानी है तो सनातन को आगे आना ही है। तो सनातन को आगे आना ही है, और पहले भी भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और सनातन की बात करती थी और उस पर लगातार आगे भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे और उसके बाद देश विकसित भारत की ओर अग्रसर होगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज़।